HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। राजधानी रांची में प्रेम प्रकाश के आवास पर अब ईडी की छापेमारी हो रही है। लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी रहने वाले लोगों पर छापेमारी हो रही है। विशाल चौधरी वो शख्स था जो राजीव अरुण का जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव होते हैं उनके यहाँ छापेमारी हुई कल, और आज प्रेम प्रकाश के यहाँ छापेमारी। ये तस्वीरें हैं, तस्वीरों में हम कहेंगे शिल्पी को दिखाने के लिए कि ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें राजधानी रांची के हैं। यहाँ पे छापेमारी का काम लगातार जारी है ईडी की ओर से, और ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, और छापेमारी के ये राजधानी रांची के हरमू रोड का हरमू में ये आवास सैलोदे है, यूके झा के आवास है, यूके झा का ये आवास है, और यूके झा के इसी आवास में प्रेम प्रकाश आता है। प्रेम प्रकाश सत्ता के गलियारे में वो शख्स का नाम है जो लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग और तमाम चीज़ों में संलिप्त रहता है। वो शख्स ताकतवर माना जाता है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में बेरोक टोक उसका प्रवेश जारी है। हालांकि न वो अधिकारी है न कुछ सरकारी पदों पर है, लेकिन इतना जरूर है कि उसका रसूख देखिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास रहकर वो ट्रांसफर पोस्टिंग आईएएस अधिकारियों और आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग करवाता है। एक तरह से कहा जाए कि प्रेम प्रकाश के कड़ी के रूप में अगर देखा जाए तो कल जो विशाल चौधरी के आवास पर छापेमारी हुई थी उसके बाद ये बड़ी छापेमारी कही जा सकती है। और तो तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हालांकि जो यहाँ पे छापेमारी हो रही है, और छापेमारी के दौरान ये आप देख सकते हैं अंदर में जो 81 की गाड़ियाँ, तीन गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, और तीन गाड़ियों में 81 नंबर है, यानी VIP नंबर की ये गाड़ियाँ निश्चित रूप से ये एहसास दिलाती हैं कि प्रेम प्रकाश सत्ता का वो व्यक्ति है जिसे लगातार मीडिया कहती रही, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में के आवास में उनकी पैठ लगातार बढ़ती गई, और यही कारण है कि तमाम चीज़ों में प्रेम प्रकाश का नाम सामने आता है। और मीडिया में कई खबरें भी चल चुकी हैं प्रेम प्रकाश के नाम से, कि प्रेम प्रकाश वो शख्स है जिसको ईडी अब तलाश रही थी। और ईडी की छापेमारी के बाद हालांकि मिलने की संभावना अब कम बताई जा रही है, क्योंकि जो लगातार छापेमारी हो रही थी उसके बाद से प्रेम प्रकाश जरूर सतर्क हो गया होगा, और उसके जो संबंधी हैं वो भी यहाँ पर आए थे, मीडिया को कवरेज करने से भी रोक रहे थे। एक तरह से कहा जाए जो सत्ता का रसूख देखिए और किस तरह से उनकी धमक देखिए, वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से ईडी को चकमा दिया जाए, और ईडी कार्रवाई अगर कर रही है तो उसमें क्या कुछ मिलता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आसपास रहने वाले लोगों के आवासों पर छापेमारी, और लगातार ये छापेमारी का जो जज्बा दिखाई दे रहा है, और ईडी लगातार जो छापेमारी कर रही है, इन छापेमारियों के बाद अब सीधा हाथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर ईडी के भी बढ़ रहे हैं। और ऐसे में सत्ता के गलियारों में अब ईडी पहुंच चुकी है, और ईडी लगातार अब और किस पर कार्रवाई होगी ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि इस कार्रवाई के बाद आगे ईडी के पास बहुत सारे सुराग होंगे ताकि वो सीधे सत्ता के गलियारे में हाथ डाल सके। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।